अथर्व भारत 2024 समिट इंडिया के मंच से विश्व भर में राम मंदिर निर्माण और नमस्ते समिट इंडिया का बड़े अभियान का पहल हुआ। इस कार्यक्रम का जो एक ध्येय है, उद्देश्य है, वो यही है कि जानकारी जो है, जो सूचना जो है, जिसके अभाव में हम शायद अपने समाज को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, अपने देश को कहीं हम संबल बनाने की दिशा में अगर कोई अच्छा काम कर सके, एक तो वो है ये। दूसरा कि ऐसे लोगों को भी कहीं इंट्रोड्यूस करना जो कि हमारे देश में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, और एक ये कह लीजिए कि ऐसा काम कर रहे हैं जिसको देश दुनिया अगर जानेगा तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं। उस चमत्कार के प्रति जो है हमारी एक सोच और जो समझ है कि किसी तरह से ज़्यादा लोगों को जानकारी वो मिले, आप जैसे मीडिया के माध्यम से भी वो कहीं आगे बढ़े, तो समिट इंडिया का ये एक प्रयास है। तीसरा कि हम जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिस तरह के डिग्नेटरीज हैं, जिस तरह के लोगों की उपस्थिति है, ये सब वो लोग हैं जो देश के चुनिंदा लोगों में से हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा कामयाब लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। सॉरी, उनकी प्रतिष्ठा जो है कहीं ना कहीं इस देश का को एक नई दिशा दिया है, एक नया जोश दिया है, एक नया उमंग दिया है। आने वाली पीढ़ी जो है उसको जान के कहीं ज़्यादा उत्साहित हो, ज़्यादा उस दिशा में काम करने की कोशिश करे, इससे देश का भला होगा, समाज का भला होगा, हम सबका भला होगा। चौथी बात कि हम पूरे विश्व में लगभग 100 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करने जा रहे हैं। 10 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत की उपस्थिति के माध्यम से हम अपने व्यवसायी, अपनी सेवा, अपनी शिक्षा, अपने स्वास्थ्य को जोड़ने का काम करने की दिशा में हम पहल कर रहे हैं। उस अभियान को समिट इंडिया अथर्व भारत के इस माध्यम से कहीं बताने और जताने की कोशिश किया है। इसी संकल्पना के साथ और इसी सोच के साथ हमने इस कार्यक्रम को आयोजन किया था, और आगे भी जो है हम करगिल को लेकर, 25 साल करगिल का हो रहा है, उसका हम रजत जयंती मनाने जा रहे हैं, उसमें 3500 किलोमीटर की एक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर में, भारत के हर एक राज्य में चैप्टर का हमारा निर्माण हो चुका है, जहाँ के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हम ये सब काम करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों का जो एक महत्व बढ़ाता है देश का, समाज का, हम सब का, हम भारतीयों का, वही एक हमारा ध्येय है, वही उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को लेकर हमने इसका कार्यक्रम का आयोजन। जो आपने यात्रा की बात करी है, तो यात्रा के माध्यम से क्या लगता है आपको? ये यात्रा है कि वीरों का नमन है, जो शहीद हैं, जो हमारे शहीद सपूत हैं, उनके घर आंगन से एक जो मिट्टी आई है, उस मिट्टी का कहीं एक बलिदान बाग बनाना, उनके नाम से एक पेड़ लगाना, हर एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाना, उनके बारे में बताना, उनको ये कहीं बताना कि वो किस प्रकार से लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हुए और क्या उनमें जज्बा था, किस तरह से भारत माँ को उन्होंने जब उस तिरंगे को देखा और किस तरह का जोश और जज्बा था, और कैसे उन्होंने उस प्राण को ऐसे लुटाया जैसे पता नहीं उनके लिए वो निछावर करना जो है उनके लिए सबसे बड़ा उत्साह और उमंग का वो पल था। तो जो जीवन को उत्सर्ग किए, जो जिस प्रकार से उन्होंने आगे बढ़ाया, ये अपने आप में उस कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, अभी हिंदू हित चिंतक, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू हित चिंतक काम, उसको अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हिंदू हितों की रक्षा कैसे हो, इसी के संबंध में मुझे यहाँ बुलाया गया है। सब प्रकार की वार्ताएं चल रही हैं और मैं उसमें अभी बैठा हूँ, देख रहा हूँ क्या हुआ। अभी तक आपने जो हिंदुत्व की बात करी है, तो इसके लिए क्या समझा है, क्या देखा है? अब हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में जनकपुर से राम जानकी रथ चलाया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस देश में भाजपा की सरकार बनी। श्री राम जन्मभूमि की देन थी, और इस समय भी यदि वो आंदोलन न होता तो
वर्तमान जो भारत की स्थिति है ऐसी नहीं दिखाई देती, इसलिए हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और उसी का परिणाम यह है कि मोदी जी 2014 में पूर्ण बहुमत से भाजपा के महिला गुप्ता चंद्रशेखर, आई एम चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर फॉर AACTE एंड CEO अनुवादनी. So today we are having this Atharva Bharat program, which means, you know, the educational India, forward India, future India. So basically the thought process about this event is to make sure that, you know, what all kind of future plans to make India as a Vishwaguru, at the same time to make India as a skill capital of the world, as well as the knowledge capital of the world, and have resources like students as well as the learners ready for the industries as well as for the service sector. So this is a wonderful event. Along with that, you know, we have met so many people here with various sectors and domains and shared the knowledge and had a very good network. And at the same time, you know, we have emphasized on language, because the language became a barrier in our country. So we have created a tool called Anuvadini, artificial intelligence tool. It's a Make in India tool, which basically removes the barrier of any language. So example, I'm speaking in English, so you can listen the same thing in real time in any Indian language or a foreign language. At the same time, it has a capability of accepting various dialects also of English. So it has so many extraordinary things which we were discussed, and we were discussed about how Indian government is doing skilling, reskilling, upskilling. At the same time, you know, how the patenting system is improved in our country. Because as you know, most of the patents are with the Chinese as well as with Americans. So how we as an Indian, you know, we can take it forward. And I'm so happy to share that, you know, the 1.2% before Honorable Prime Minister, you know, become a Prime Minister of this country. So now we have 16% of the patents are getting registered in our country itself. That too are international patents. What it means is, if you patent it in our country, you know, it is applicable for the entire globe. So extraordinary patenting system, innovation systems, as well as the communication technologies, like, you know, the 4G world, 5G, now 6G, 7G is also coming up. So all this was discussed in this event. At the same time, how we can improve it. You know, what is strategic technologies like AR, VR, MVR, how it can be utilized for the educational purpose, how we can make adaptive and personalized learning management systems, you know, for our students in the school as well as in the higher education. So lots of discussions and knowledge sharing sessions are happening. And I'm so happy to see that not only that one person came here to share the knowledge and the senior citizens care, which is very, very important, because, you know, how we care our children, I think it is very important to have a care, you know, for the senior citizens. I'm so happy to hear that, you know, we are not only taking this only from the education point of view, this is about the humanity also. I thank all the organizers and Summit India for organizing such a wonderful event. Thank you very much.